हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोडक्ट जो कि है आर्ट से संबंधित, पेंटिंग से संबंधित। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग ब्लॉग यूट्यूब चैनल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट का करने वाला हूँ अनबॉक्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पेंट ब्रश प्रीमियम मिक्स सेट, कमल प्रीमियम मिक्सड ब्रश सेट ऑफ सिंथेटिक करके ये प्रोडक्ट है। और यहाँ में ये इसमें कमल प्रीमियम की जो ब्रशेस हैं वो यहाँ पर इस पैकेज में है। तो चलिए मैं इनको खोल के दिखाता हूँ इनकी क्वालिटी कैसी है, देखने में कैसे लगते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। YouTube में इनका कोई वीडियो नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि आपकी मदद हो सके और भी बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उनकी मदद हो सके। अगर इस पर ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप खरीदेंगे और अगर अच्छा नहीं है तो सब कुछ अभी आपको देखने को मिलने वाला। तो चलिए इसको कोर करते हैं अनबॉक्स और फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो यहाँ पर देखिए कि पैकिंग ये काफ़ी अच्छी पैकिंग करके यहाँ पर भेजी गई है। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं इधर से। तो ये मैंने इधर से इसको खोल लिया है और यहाँ से देखिए कि इसके साथ में हमें एक बैग भी मिलता है। इन ये जो पेंट ब्रशेस हैं ये बैग के अंदर रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक बैग भी है इसमें। तो ये बैग आप देख सकते हैं कि काफ़ी साइज में बड़ा बैग है। हालांकि जो फ्लिपकार्ट में जब मैं ऑर्डर करा था तो काफ़ी छोटा सा दिखाई दे रहा था। यहाँ पर देखिए जो 1400 रुपये कमल मिक्स प्रीमियम 12 एन इंक्लूडिंग बैग, यानी कि यहाँ पर बैग भी इसमें साथ में आता है। और MRP है इन ब्रशेस का 1400 रुपये, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मुझे फ्लिपकार्ट में 499 रुपये की मिली हुई हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको ओपन करके। तो ये हमने इसको निकाल लिया है और यहाँ पर देखिए कि अच्छी खासी यहाँ पे जिप है, यानी कि ये पूरा पर्स जैसा मालूम होता है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और इसको कैरी करना बहुत आसान रहेगा। कहीं पर भी आपको जो अपनी ब्रशेस हैं उनको लेके जाना है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छा एक बैग हमें उपलब्ध होता है। तो ये देखिए, ये खुलने वाली हैं हमारी जो ब्रशेस हैं। ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है हमारी ब्रश ये। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये हैं हमारी ब्रशेस। तो ब्रशेस की जो क्वालिटी है वो देखने में आपको कैसी लग रही है मुझे बताएं। ये थोड़ी ऊपर की तरफ पहुँच गई हैं इसलिए कुछ मुड़ा मुड़ा सा लगता है, लेकिन अब आप यहाँ पर देखें कि ये एकदम सही हो गई हैं और अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब ऐसा हो जाता है क्योंकि बार बार जब कुरियर से आता है तो सामान को पटकना होता है, तो ये सब चीज़ें हो जाती ऊपर नीचे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इनको मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। ये जो ब्रश है ये बहुत अच्छी है और इसके जो ब्रिस्टल्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। मैंने दूसरी इसके पहले जो मंगाई हुई थी ब्रशेस, उनके इतने अच्छे ब्रिस्टल्स नहीं थे। इनके काफ़ी अच्छे ब्रिस्टल्स हैं और यहाँ पर काफ़ी कड़े भी हैं, यानी कि ज़्यादा मुड़ेंगे नहीं और पुनः अपनी स्थिति में आ जाएंगे। तो ये हमारी जो ब्रश है फॉर वाटर पोस्टर एंड एक्रिलिक कलर्स के लिए है और पत्ती वगैरह बनाने के लिए ये यूज़ में आती है ज़्यादातर। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, मैंने को साइड में रख भी रहा हूँ, चलिए इसी में मैं रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखें कि ये जो ब्रश है ये आप यहाँ पर देखें कि थोड़ा इसके जो ब्रिस्टल्स हैं ये यहाँ पर मुड़े हुए हैं, आप यहाँ पर देखिए, लेकिन ये सही हो जाएंगे। तो ये देखिए कि ये जब आप इसको थोड़ा इसको आप डिप करेंगे पानी वगैरह में तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये जो आपको पीला ये दिख रहा है ये लकड़ी है, इसको पेंट किया गया है ऊपर से
और यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेटल है, इसके माध्यम से जो ब्रिस्टल्स हैं इनको पकड़ के रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि इनको बाहर निकलना है, ये बाहर नहीं निकलेंगे, देखने में बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी मजबूत है और बनावट काफ़ी अच्छी है। तो ये ब्रिस्टल्स भी बहुत अच्छे हैं लिखने के लिए। तो ये वाली ब्रश हो गई। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर देखें कि राउंड ब्रशेस हैं साथ में, तीन ये राउंड ब्रशेस हैं। चलिए इनको भी निकाल के दिखा रहे हैं। ये हमने किया इसको बाहर, तो यहाँ पर देखिए कि ये तो बिल्कुल पेंसिल की तरह है। ये जो ब्रशेस रहती हैं ये कड़ी रहती हैं, इनको आप एक बार जब ऐसा मोड़ देंगे तो ये फ्री हो जाएंगी। तो अभी एकदम कड़ी है जैसे लकड़ी हो ऐसा मालूम होता है, लेकिन लकड़ी नहीं, इसको आप जब मोड़ते हैं तो यार आसानी से मुड़ जाती हैं और फिर बिल्कुल मुड़ने लगती हैं। तो ये जो है राउंड ब्रशेस है, और ये यहाँ पर देखिए 8 नंबर की ब्रश है। तो कमल जो कंपनी है वो उनके जितने भी ब्रशेस हैं काफ़ी क्वालिटीफुल रहते हैं। और ये यहाँ पर देखें कि कलर मिक्सिंग के लिए जो यहाँ पर नाइफ, इसको कह सकते हैं स्पून, जो भी आप कहते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छी है और हल्की सी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि कलर उठाना है, ये लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है, ना ही इससे कुछ और चीज़ें काटनी है, तो कलर को मिक्स करने के लिए है, तो ठीक है जैसे भी है। और इसका यहाँ पर देखें कि ये काफ़ी मजबूत भी है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे यहाँ पर ये ब्रश देखिए, तो ये ब्रश बिल्कुल फिक्स है, ताकि इसके जो ये ब्रिस्टल्स हैं मुड़े नहीं, तो ये चिपकी हुई है अभी हाल में, लेकिन जब इसको पानी में आप गीला करेंगे तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी। और हालांकि ये जो 25 नंबर की ब्रश है, ये इसके जो ब्रिस्टल्स हैं थोड़े से मुड़े हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखने में थोड़ा भद्दा लग रहा होगा कि इसके तो फैले हुए हैं, ये फैले नहीं। जैसे इसको एक बार पानी में डुबोएंगे या कलर में डुबोएंगे तो सब बिल्कुल एक जैसे सीधे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे ये चिपके हुए हैं, इनके ब्रिस्टल्स बाहर नहीं निकले हैं, ऐसे ही इसको भी चिपकाना चाहिए था, क्योंकि कई बार जब उठाते या उठाना होता है या जब कुरियर के वाले इसको ऊपर नीचे करते हैं तो आगे जाके इसके जो ब्रिस्टल्स ऐसे इसे टकरा जाते हैं तो मुड़ने का खतरा रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो ब्रिस्टल्स हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, और ये भी इसी तरह के हैं, और ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। ये लकड़ी यहाँ पर है, वो बनावट बहुत अच्छी है और बहुत मजबूत है, और ज़्यादा इनकी लंबाई भी नहीं है, तो इसको पकड़ के जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आर्ट करना चाहते हैं, वो बहुत आसानी रहेगी और बहुत अच्छा फील होगा। इसके पहले मैंने ब्रशेस मंगाए थे, वो मुझे पसंद नहीं आए थे, क्योंकि उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और मैं बता दूँ कि वो सस्ते भी थे, तो मैंने उनको लौटा दिया। और फिर मैंने सोचा कि मंगाना ही है तो क्यों ना हम कंपनी की चीज़ मंगाएं और उससे अच्छा फील भी होगा। तो ये देखिए कि बहुत ही ये 4 नंबर की कमल की ब्रश है, और बहुत ही हल्की है, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ब्रिस्टल्स यहाँ पर हैं। इसके भी ब्रिस्टल्स हैं, चिपके हुए हैं, पानी में डिप करेंगे तो खुल जाएंगे और बढ़िया तरीके से आप इनसे लिख पाएंगे। तो इनके जो ब्रिस्टल्स हैं इनमें क्वालिटी देखने को मिलती है, इनकी जो पकड़ है यहाँ पर, जो मेटल है वो बहुत मजबूत तरीके से पकड़ बनाई गई है, और ये बाहर निकलेंगे नहीं। अब इनको क्या दिखाना है, ये सब इसी तरह की हैं तो आप देख सकते हैं, और मैंने आपको ऐसे काफ़ी करीब से दिखाया हुआ है। ये दो छोटी ब्रशेस हैं, राउंड ब्रशेस हैं, और ये 1 नंबर की ब्रशेस है राउंड की। तो यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए कि ये लाइनिंग्स बनाने के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। जब आप फूल वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए, आप डिटेलिंग के लिए काफ़ी अच्छी ब्रश है, और बहुत ही बढ़िया भी है, तो ये काफ़ी काम आएगी। चलिए इसको रखते हैं अंदर। तो यही फ्रेंड्स है ये कमल की जो ब्रशेस हैं, और मेरा मानना है कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये काफ़ी पसंद आया होगा, और ये जो वीडियो है ये भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो ये इस तरीके से आप इसको ऐसे लगा के इसको ऐसे
टांग सकते हैं, ये इतने इसके ये निकला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसका कोई वीडियो नहीं था, मैं भी सर्च किया है इसके पहले तो कोई नहीं था, तो मैंने कहा चलो भाई हम बनाएंगे पहला वीडियो। वैसे रिव्यूज़ वगैरह आपको फ्लिपकार्ट में इनके मिल जाएंगे, फ़ोटोज़ वगैरह तो वो उपलब्ध होंगे। तो चलिए इनको मैं यूज करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि प्रोडक्ट कैसा है और कैसे काम करता है, क्या कमी है क्या नहीं है। बकाया मुझे इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये, और मैंने इसको कर दिया इस तरीके से बंद, तो ये हमारा अच्छा है और कहीं पर भी इसको कैरी करके आसानी से आप ले जा सकते हैं। और इससे आपका जो है कि काफ़ी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।